भारत में पिछले 3 दिनों में कोरोना के संक्रमण में काफी तेजी देखी गई है। अब तक देश में 29 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं और सरकार ने इससे मुकाबला करने के लिए काफी तैयारी भी की है। देश में इस वक्त कोरोना की जांच के लिए 15 लैब मौजूद है, जबकि 19 नई लैब तैयार की जा रही है। इस बीच कोरोना का केंद्र वुहान के एक डॉक्टर्स ने भारत को सलाह दी है कि किस तरह से वो कोरोना से बच सकता है, भारत को क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। वुहान के बड़े अस्पताल पेकिंग यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट क्याओ जी ने कहा है कि भारत को कोरोना से बचने के लिए कई स्पेशल तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि भारत और चीन एशिया के 2 सबसे बड़े देश हैं और दोनों में ही कई समानताएं हैं। हमारी जनसंख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है और हमारे यहाँ संयुक्त परिवार जैसी इलाज पद्धति भी है। भारत को सबसे पहले संक्रमण को रोकने के लिए पर्याप्त संख्या में डॉक्टर जुटाने होंगे। डॉक्टर्स के साथ साथ यहाँ पर पर्याप्त संख्या में ट्रेन्ड मेडिकल स्टाफ को भी लगाना होगा, साथ ही उनको ट्रेनिंग भी देनी होगी जो कम पॉजिटिव संक्रमण वाले लोगों का तुरंत इलाज कर सके। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें इलाज में किन किन उपकरणों का इस्तेमाल करना है और कैसे करना है और साथ ही खुद को कैसे बचाना है, इन सब की जानकारी देनी होगी। क्याओ जी ने कहा कि चीन में कोरोना फैलते ही जानकारी के अभाव में 10 डॉक्टर्स और 3000 मेडिकल स्टाफ की मौत हो गई थी, इसलिए भारत को ट्रेनिंग की जरूरत है। साथ ही इलाज के लिए ट्रीटमेंट रूम तैयार किए जाने चाहिए। इन कमरों में हाई पावर एग्जॉस्ट फैन लगाने की जरूरत है ताकि हवा लगातार प्रवाहित होती रहे, और साथ ही संक्रमित मरीज और स्टाफ दोनों के लिए ये उपाय बहुत जरूरी है। डायरेक्टर ने आगे कहा कि कोरोना से मुकाबले के लिए सबसे जरूरी चीज है संबंधित विभागों के बीच तालमेल जो बेहतर काम करे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।